हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स नॉलेज एक्वेरियम वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। आए और मैथमेटिक्स सीखें। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में, हेलो फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड बच्चों, सभी को मैं संबोधित कर रहा हूं कि पिछले लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में, उसके इंटेग्रेशन के बारे में पढ़ाया था। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में हम पढ़ाएंगे, साथ साथ जो एनसीईआरटी की बुक है 7.1 एक्सरसाइज, हम उसके सवाल नंबर 1 to 10 का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आप अपने दोस्तों को भी बताएं, नॉलेज पाना है, नॉलेज बांटना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। इस तरह से नॉलेज को बढ़ाएं और मैथमेटिक्स से सबको जोड़ें। सारे बच्चों को, सारे दोस्तों को इस मैथमेटिक्स से जोड़ो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, आगे जरूर आप इसको बढ़ाएं। राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। फॉर्म 10 तक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन में लाया था। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म 11। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी, साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन आपने क्या पढ़ा था? 1/√(1 − x²). एंटी डेरिवेटिव इस काम पढ़ेंगे तो साइन इनवर्स डी बाय डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का भी हमने क्या पढ़ा था? केवल निगेटिव था, इसलिए इसका निगेटिव भी हो सकता है। आप दोनों में से कोई भी आप लिखोगे, इससे आपके आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को तो आपको 100% याद रखना है दोस्तों। बिना कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले का इंटीग्रेशन नहीं बन सकता है। आप इन बातों को विशेष ध्यान रखें। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 1/√(1 − कॉसिन में निगेटिव होता है तो चेंज हो जाएगा। इसके दो फॉर्मूले, ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। यू कैन राइट एनी आंसर एनी टाइम, आपका हमेशा आंसर सही होगा। फॉर्म 11, फॉर्म 12। फॉर्म 12 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x²। इसका टेन इनवर्स एक्स भी होगा और इसका कॉट इनवर्स एक्स भी हो सकता है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते। फॉर्म 13, (1/x√)(x²−1), राइट? इसके भी दो फॉर्म हो सकते हैं, sec इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉस sec इनवर्स एक्स प्लस सी। और इसको आप डेरिवेटिव के मदद से याद सकते हैं। आप फॉर्मूले को रिकॉल कीजिए जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। तो जब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे थे, उसी का एंटी डेरिवेटिव क्या है? इंटीग्रेशन। इस तरह हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया लेक्चर 3 तक। अब हम एक्सरसाइज की ओर प्रोसीड करेंगे। आप एनसीईआरटी का बुक जरूर आप निकालेंगे, आपके सामने होना चाहिए। ये एनसीईआरटी की बुक है, एक्सरसाइज 7.1 आपको निकालना है, एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 299, राइट? एक एक सवाल का हम लोग डिस्कशन करते हैं। आए मिलके पढ़ें, मिलके पढ़ाएं और मिलके हम आगे बढ़ें, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए मैथमेटिक्स का प्यार बांटें और प्यार पाएं।
मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप ठान लें कि आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें मैथमेटिक्स में हम सीख नहीं सकते। सीखने की लगन होनी चाहिए। मैथ कोई फोबिया नहीं है कि मैथ से डरना है, मैथ्स को सीखना है, ईमानदारी से सीखना है। चलो एक्सरसाइज 7.1 नए पेज से हम स्टार्ट करते हैं और आपके साथ नया इतिहास बनाते हैं। एक्सरसाइज 7.1 डरना मना है मैथमेटिक्स में। 7.1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। साइन एक्स का हमने क्या पढ़ाया था? माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ये हो गया माइनस कॉस 2x, चूंकि लीनियर है 2 + c। दिस इज योर आंसर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, टू नंबर सवाल। कॉस 3x साइन 3x, आपको मैंने लीनियर पढ़ाया, x का जो होगा वह नीचे आएगा 3 + c। दिस इज योर आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है। e टू दी पावर, ये भी लीनियर है, e 2x/2 + c। आप डिफ्रेंसिएशन करते जाओ, अगर हम RHS का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो LHS निकलना है। तो फॉर्मूले को आपको याद रखना है, उससे आपको दूर नहीं हो जाना। अगर आप फॉर्मूले को याद रखते हो तो डेफिनेट रूप से आपका क्या होगा कि सवाल बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री के बाद 4, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है? ax + b। देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया था पावर 2, बेस लीनियर हो, बेस हमारा क्या है? लीनियर। आप याद करो, फॉर्म 2 में मैंने ये पढ़ाया था। एकदम जो मैं फॉर्म या कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं उसको आपको ध्यान से सीखना है। पावर 2 + 1, 2 + 1, और जो x का कोफिशिएंट है नीचे, तो क्या हो गया हमारा, माय डियर फ्रेंड, पावर 3, और ये हो गया हमारा 3a + c। दिस इज योर आंसर। कितना आसान, क्यों घबराते हैं? मैथमेटिक्स एकदम आसान, कुछ भी नहीं है। अगर आप मैथ को सही से सीखो तो बहुत आसान। साइन 2x माइनस 4 ई 3x dx। अगर आपको दो अलग अलग फंक्शन प्लस माइनस से जुड़ा हुआ हो तो प्रॉपर्टीज कहता है दोनों को अलग अलग कर देंगे। साइन 2x dx माइनस कांस्टेंट का बाहर आप निकाल दो, ई 3x dx, और इसको आप लिख सकते हैं साइन 2x का माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, क्योंकि लीनियर है 2x, तो माइनस कॉस 2x/2 माइनस 4 ई 3x/3 और प्लस सी। दिस इज योर आंसर। देखो कितना आसान है, मुस्कुराते हुए सवाल बनाना चाहिए। सवाल में क्या लिखा हुआ है? फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव फॉर इंटेग्रल और इंटेग्रल। एंटी डेरिवेटिव मींस इंटेग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आपको प्रूव नहीं करना है। इंस्पेक्शन का मतलब आप डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। ये 4 × है, ये × है। 6 नंबर,
और आप यहीं रहने दो। सिक्स क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 4e3x e^3x। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो देखें कितना कम समय में आप सवाल को बना सकते हैं। आप इसको अलग अलग करो, 3x dx और 1 इधर हुआ dx, या x पर पावर 0, मैंने आपको बताया था 1 dx का x, तो 4 3x/3 प्लस x प्लस c, दिस इज योर आंसर। बहुत आसान। नंबर 7, 7 हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये यहां भी मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 1 डी एक्स। दोनों को आप अलग अलग कर दें, एक्स स्क्वायर डी एक्स और 1 डी एक्स। 1 डी एक्स का मतलब एक्स पर पावर 0, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 1। बार बार मैं याद करवा रहा हूं, 2 प्लस 1 2 प्लस 1, और ये हो गया हमारा केवल एक्स, या एक्स पर पावर 0, तो 0 प्लस 1 0 प्लस 1 करोगे तो वही आएगा (3 - x + c), दिस इज योर आंसर। है ना आसान? कौन कह रहा है कि कठिन? बहुत आसान। 8 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c dx, c इज कांस्टेंट। देखो बच्चे, dx का मतलब है कि केवल ओनली x ही वेरिएबल है, x के अलावा सभी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। तो आपको डरना नहीं है कि सर एक्स के लिए तो कुछ और करते हो, ए बी सी के लिए कुछ और करते हो, ना। केवल आपका क्या है, ओनली ओनली आपका क्या है, एक्स वेरिएबल है। डीएक्स से पहचान होता है, आइडेंटिफाई होता है कि व्हिच वन इज वेरिएबल। टू लिटरल्स आर गिवन, ए बी सी भी गिवन है, एक्स भी गिवन है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि व्हिच लिटरल इज वेरिएबल और विच लिटरल इज कॉन्स्टेंट? सी डीएक्स, डीएक्स जो लिखा हुआ है इसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्स हमारा वेरिएबल है और ए बी सी क्या है, हमारा कॉन्स्टेंट है। तो सबको अलग अलग करो, ए कॉन्स्टेंट है बाहर एक्स स्क्वायर डीएक्स, बी बाहर एक्स डीएक्स प्लस सी डीएक्स, dx का x, a 2 प्लस 1 3/3, b यहां 1 है 1 प्लस 1, ये 1 है तो क्या हुआ 1 प्लस 1, x स्क्वायर बाय 2, cx प्लस c। अब यहां पर c है तो हम k मान लेते हैं या c1 मान लेंगे, क्योंकि दो जगह c लिखने से अच्छा नहीं लगता, आप c मान लो, c1 मान लो, कोई बात नहीं, आप कोई भी कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इंटीग्रेशन इंटीग्रल कांस्टेंट को हम सी लिखेंगे, के भी मान सकते हैं। यहां पर सी है, अगर आप सी लिखोगे तो कई बार पता लगता है कि न जाने यहां पर ये सी और ये सी इक्वल है या क्या नहीं है, इसलिए हम के भी लिख सकते हैं। 9 नंबर पॉइंट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर आप अलग अलग कर दो, सॉरी 2x स्क्वायर है, ठीक 2x स्क्वायर e^(x dx) 2x स्क्वायर dx ex dx आप अलग अलग कर दो। क्या हो गया 2 2 प्लस 1 3/3 2 प्लस 1 2 प्लस 1
और ई एक्स का ई एक्स प्लस। टेन नंबर पॉइंट, टेन क्या है, रूट एक्स वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का यूज करो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर एक्स का ए के जगह हमारा क्या है रूट एक्स, एक्स वन बाय एक्स टू रूट एक्स वन बाय रूट एक्स, आप सबको अलग अलग कर लो, यू कैन राइट एक्स डी एक्स, वन बाय एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स पर पावर माइनस डी एक्स, राइट, सॉरी वन बाय एक्स केवल लीनियर है, वन बाय एक्स डी एक्स ओनली लीनियर माइनस टू डी एक्स, तो आप क्या लिख सकते हो, यहां पावर वन एक्स है टू बाय टू ओनली लीनियर, एक्स पर पावर कुछ रहता वन के अलावा टू थ्री फोर फाइव तब ऊपर ले जाते, और ओनली लीनियर है तो लॉग एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। इस तरह से 1 to 10 क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया प्यारे बच्चों, रिमेनिंग क्वेश्चन रिमेनिंग लेक्चर में, आगे के लेक्चर में, रिमेनिंग का मतलब आगे का लेक्चर, इस तरह से हमसे जुड़े रहिए, अच्छे अच्छे सवाल सीखिए, बेसिक सीखिए, और इंटेग्रेशन को अपने लिए आसान बनाना है, ताकि जब एग्जामिनेशन में आप बैठो तो सारे सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हो। थैंक यू, क्यों थैंक यू, थैंक यू, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को भी बताएं, थैंक यू ऑल ऑफ यू।